बिस्मिल्लाह रहमान रहीम डॉन चिल्ड्रन एकेडमी स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच मैथमेटिक्स टू क्लास 8, 9 एंड 10. टुडे इज माय लेक्चर नंबर 5. आई विल टीच यू एक्सरसाइज नंबर 2.7. क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई 8 रेज टू द पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 36 रेज टू द पावर 1/2. स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए आप 8 ये जो हमने लिखा है इसके अगर हम मल्टीपल्स यहाँ निकालें, ये देखिए 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 2 मल्टीप्लाई कितने 2 हैं, 3 मरतबा मल्टीप्लाई दें अगर 2 2 4, 4 2 8, हम 8 लिखें या 2 क्यूब लिखें, ये 3 है ना, इसलिए 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसे 2 क्यूब भी लिखा जा सकता है. 2 क्यूब इज इक्वल टू 8. यहाँ देखें बच्चे, हमने 8 हटाया है, उसकी जगह क्या लिख दिया, 2 क्यूब, और जो उसकी अपनी पावर थी सवाल में वो अपनी जगह मौजूद है. मल्टीप्लाई बाय, इसी तरह 36 के भी मल्टीपल्स देखिए रफ कॉलम में बना लिए, 6 6 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 को हम 6 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये देखिए बच्चों गौर से. तो लिहाजा हमने यहाँ पे 36 को हटाया है और हमने क्या कर लिया है, 6 स्क्वायर लिख लिया, बाकी ब्रैकेट के बाहर जो पावर 1/2 थी वो रहेगी. मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझा दिया था कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो और अंदर दी गई पावर मल्टीप्लाई होती है आपस में. तो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. ये बच्चों ख्याल रखना कि पावर छोटी सी और बेस से काफ़ी ऊपर लिखी हुई हो, ये ना हो कि बेस के बराबर आ जाए, ये बहुत ध्यान रखना है, इसमें एहतियात बरतना है. मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये पावर है. यहाँ देखिए 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, क्या रह गया, यहाँ बेस रह गई खाली. 2 1 हमें लिखना नहीं होता, अगर किसी नंबर पे कोई पावर नहीं लिखी तो इसका मतलब उसके ऊपर 1 है. 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 12 इज़ अवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 64 होल रेज टू द पावर -1/6. 64 के मल्टीपल देखिए बच्चों रफ कॉलम में, 2 3 6, 2 2 4, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. कितने 2 आ गए देखिए, 6 आ गए. 2 कितने हैं, तादाद 2 की, 1 2 3 4 5 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 2 64. हम चाहे 64 लिखें या ये 2 6 मरतबा मल्टीप्लाई दें, एक ही मतलब है, इसका भी आंसर 64 आ रहा है. ये 2 हम 6 मरतबा मल्टीप्लाई होते हुए दिखाएं उसके बजाय हम शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 6. तो यहाँ पे आप देखें बच्चों, यहाँ पे सवाल में देखिए 1/64, तो हमने 6 और पावर इसकी है 1/6, हमने 64 हटाया, उसकी जगह जो अभी रफ कॉलम में हमने दिखाया था आपको, उसकी 64 की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 रेज टू द पावर 6 और होल पावर क्या है, 1/6, लेकिन ये माइनस की थी, ऊपर ये माइनस की थी, हम न्यूमरेटर में हम इसको डिनोमिनेटर पे ले गए थे तब ये प्लस की हुई थी, ये माइनस की थी, देख लें सवाल में. बाद में हम इसने क्या करा था, ये 1/64 रेज टू द पावर 1/6 क्यों करा था, ये पावर माइनस की थी, इसको हमने प्लस में करने के लिए, क्योंकि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे जाए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर आए, हमारी पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाती है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, तो यहाँ माइनस की थी, प्लस में चेंज हो गई. अब आप इसको कैंसिल करिए 6 के टेबल से, 6 1 6, 6 1 6, 1/2 इज़ अवर आंसर. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 256/x² होल रेज टू द पावर 1/2. 256 के मल्टीपल रफ कॉलम में पहले आप मालूम कर लीजिए, मैं सिखा रही हूँ, आगे सवालों में आप खुद मालूम कीजिएगा. 4 के टेबल से देखिए, 4 6 24, 1 यहाँ कैरी गया, 16 बन गया, 4 4 16, क्या इसका 4 के टेबल से डिवाइड किया तो क्या आया, 64. फिर 4 के टेबल से, 4 1 4, 2 यहाँ बराबर में गया, 24,
4 6 24, अब हमारा आ गया 16, 4 4 16, फिर 4 1 4, कितने 4 आए देखें, 1 2 3 4, ये हम चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 4 16, 16 4 64, 64 4 256, चाहे हम 256 लिखें या ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में दिखाएं, एक ही मतलब है। और इसको शॉर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 raised to the power 4, यानी 4 बेस है और उसके ये कितने 4 कितने हैं, 4 हैं, तो हम 256 की जगह 4 raised to the power 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया, ये देखें आप सॉल्यूशन में 256 को हटाया है हमने और उसकी जगह वही 4 raised to the power 4 डाल दिया है, जिसकी कि कीमत वैल्यू जो है 256 ही है। इस 4 raised to the power 4 की वैल्यू 256 ही है, अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/2। अब बच्चों आपको मैं पहले सिखा चुकी हूँ कि ये जो ये होल पावर है ना, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को की पावर को हमें 1/2 से मल्टीप्लाई देना है। तो ये पहले हमने अलग अलग शो कर दी, न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग, और फिर वो मल्टीप्लाई देने के बाद ये देखिए 2 के टेबल से हमने कैंसिल करा है, यहाँ क्या हासिल हो गया हमें 4 square, और यहाँ x का ये 2 1 2 2 1 2, इधर तो 4 था ना, 2 1 2 2 2 4, तो 4 square, 4 square का मतलब होता है 4 multiply by 4, 4 multiply by 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन x इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 81, x raised to the power -8, z raised to the power 4, whole raised to the power 1/4। इस सवाल को सॉल्व करते वक्त बच्चों देखें, ब्रैकेट के अंदर जो हमारी वैल्यू है सिर्फ ये वैल्यू इसकी पावर माइनस की है, इसको आप नीचे ले जाइए डिनोमिनेटर पे, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की, बाकी सवाल वैसे ही है और ब्रैकेट के बाहर पावर वैसी लिखी हुई है, सिर्फ हम x raised to the power -8 इसलिए नीचे ले गए कि माइनस का 8 प्लस का 8 हो गया, डिनोमिनेटर पे ले गए, साइन चेंज हो गई पावर की। 81 की जगह 81 के मल्टीपल्स देखिए, 3 2 6, 2 बराबर में गया, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीपल कितने हैं, 4 मरतबा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, तो हम 3 raised to the power 4 भी लिख सकते हैं 81 की जगह, तो 81 की जगह हमने ये 3 raised to the power 4 लिख दी है, देखें 81 की जगह z raised to the power 4, और डिनोमिनेटर पे हमारा x raised to the power 8 whole 1/4। बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ जो ब्रैकेट के बाहर पावर दी होती है वो अंदर दी गई पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो अगले स्टेप में 3 इसकी अपनी पावर क्या है, 4 multiply by 1/4, z इसकी अपनी पावर क्या है, 4 multiply by 1/4, x 8 इसकी पावर 1/4 से मल्टीप्लाई, इसको भी दे दें, तो ये मल्टीप्लाई देने के बाद आप देखें 4 multiply by 1/4 तो 3 raised to power 1, z पावर अपनी 4 रखता था, ये भी 1/4 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी भी 1, यहाँ पे x 8 था तो इसकी पावर 1/4 से जब हमने इसको कैंसिल किया, 4 1 4 4 2 8, x² आई, ये देखिए 3 z पे पावर 1 बची, 1 हम लिखते नहीं हैं, और x पे क्या बची, x² कैंसिल करना आपको आता है। अगला सवाल देखिए, 4³ raised to the power 2 divided by 4² raised to the power³, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई देंगे, 4 3 multiply by 2 divided by 4, 2 multiply by 3, 3 2 6 एंड 2 3 6, जो डिवाइड देने वाला नंबर है, डिवाइड जिससे देंगे ये नंबर हमारा डिनोमिनेटर पे रहता है, ये हम नीचे ले गए डिनोमिनेटर पे ले गए, 4 raised to the power 6 तो था न्यूमरेटर पर, और डिवाइड के बाद जो नंबर होता है वो डिनोमिनेटर पे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं अपॉन के, तो आप ये देखें एक ही नंबर ऊपर नीचे है, एक ही टेबल से कट जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
या इसको चाहें तो इस बेस सेम है, पीछे सिखाया है मैंने आपको, सिर्फ पावर ऊपर ले जाइए, पावर ऊपर लेके जाइए तो 6 इसकी पावर है, ये ऊपर जाके पावर न्यूमरेटर पर जाकर -6 हो जाएगी, 6 - 6 पावर क्या आ गई, 4 की पावर क्या आ गई, 0, 4 raised to the power 0। और याद रखना बच्चों, किस कोई भी नंबर हो, बड़ा छोटा कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 होती है, वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अक्सर ब्लैंक्स में कोई भी नंबर लिखकर उसकी पावर 0 दे दी जाती है और लिखा होता है -(-). हर नंबर जिसकी पावर 0 होती है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये उसूल है मैथ्स का, ये याद रखना, ये याद कर लो स्टूडेंट्स। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 raised to the power 2n/3 मल्टीप्लाई 8 raised to the power -(-8) upon 18 raised to the power -(n/2। यहाँ देखें बच्चों, इसकी 27 की पावर तो प्लस की है, लेकिन 8 की पावर जो है ये माइनस में दी गई है, और डिनोमिनेटर पे 18 की पावर भी माइनस में दी गई है। सबसे पहले तो हम पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये 18 जो डिनोमिनेटर पे दिया गया है इसे न्यूमरेटर पे ले आते हैं, इसकी पावर अब पॉजिटिव हो गई, और ये जो नेगेटिव पावर थी इस 8 को हम डिनोमिनेटर पे ले गए, इसकी पावर अब पॉजिटिव हो गई, अब हमारी कोई पावर नेगेटिव नहीं है। मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ बच्चों, देखो 27 की जगह हम लिख सकते हैं 3³, और जो उसकी अपनी पावर है 2n/3 वो अपनी जगह है। 18 अलबत्ता हमने पहले आपको नहीं सिखाया, 18 को और सॉल्व करके दिखा देती हूँ। 2 9 = 18 and 3 3 = 9, 2 × 3 = 3 तो ये देखिए 3 × 3 की जगह हमने स्क्वायर 3² लिख दिया, 2 × 3² तो लिहाजा यहाँ पे से 18 हटाया, उसकी वैल्यू हमारी रफ कॉलम में अभी मैंने आपको करके दिखाई, 2 × 3² पावर सबकी वही रहेगी जो 18 की थी, वो इन दोनों की पावर वही रहेगी n/2, और डिनोमिनेटर पे हमने 8 की जगह, ये पीछे मैंने आपको सिखाया है क्या हो गया है, 2³ raised to the power n/3। अब हमें पावर को सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर दी गई पावर आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 की अपनी पावर 1 है बस, तो इसकी n/2 इसकी होगी, और इसकी 2 × n/2 होगी, और ये डिनोमिनेटर पे देखिए 2 power 3 × n/3 होगी, जो पावर कैंसिल हो सकती हैं एक ही टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, वो हमने कैंसिल करने के बाद यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा पहला 3 raised to the power 2n बची है, मल्टीप्लाई बाय 2 raised to the power n/2 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power n/2 raised to the power n। अब यहाँ देखिए इस 3 की बेस सेम है, जिसकी बेस सेम है उसकी पावर जमा या माइनस हो सकती है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लिहाजा ये प्लस की है, ये भी प्लस की है, 2n + n ये हमने शो करा, एक दफ़ा बेस लिखी 3, एक मरतबा लिखी बेस, और इसकी जो पावर थी 2n + n ये सिर्फ पावर लिख दी है हमने, बेस याद रखना बच्चों बड़ी लिखेंगे और पावर बारीक ऊपर बिल्कुल रहे, नीचे ना उतरे, बेस के साथ ना लिखें, ऊपर रहे बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाय 2, ये बेस है, ये देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस सेम है, लिहाजा ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये n है इसका मतलब n/1 है, और ये n/2 है, ये ऊपर दी गई पावर न्यूमरेटर की अपनी पावर है, ये डिनोमिनेटर पे से आई है, जब फ्रैक्शन हो तब हम एलसीएम निकालते हैं, नीचे 1 और 2 का हमने एलसीएम निकाला तो हमारा ये 2 आया, और हमने रफ कॉलम में एलसीएम, ये देखो बच्चों हमने एलसीएम लिखा, फिर उसके बाद जो डिनोमिनेटर का नंबर होता है वो 2 हमने उससे डिवाइड दिया एलसीएम को, मल्टीप्लाई बाय जो न्यूमरेटर पे नंबर दिया हुआ होता है, इस 2 से ये जो एलसीएम है, एलसीएम ये लिखा, फिर ये डिनोमिनेटर के 2 से डिवाइड दिया और न्यूमरेटर के n से मल्टीप्लाई दिया, 2 से कैंसिल, n रहा, n हमारा ये आ गया, ये देखें ये n आया, माइनस यहाँ पे अब एलसीएम क्या है 2 और डिनोमिनेटर पे नंबर क्या है 1, मल्टीप्लाई बाय
ये ऊपर न्यूमरेटर पे n दिया है, मल्टीप्लाई बाय n, 2 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 2n अपॉन LCM। अब आप माइनस करके देखिए, 2n में से 1n माइनस कीजिए, क्या बचा, ये रफ में मैंने माइनस भी कर दिया है, 2n में माइनस 2n में से n माइनस किया तो हमारा n अपॉन 2 माइनस का बचा, क्योंकि हमारी बड़ी जो वैल्यू थी वो माइनस 2n माइनस की थी, 2 बड़ा था 1 छोटा था, इसकी साइन बड़े की क्या थी, माइनस, लिहाजा माइनस n अपॉन 2। अब ये देखिए 3 रेस टू पावर 3n मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू पावर माइनस n अपॉन 2, ये 2 की पावर माइनस n अपॉन 2 है, इसलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ इसको हम डिनोमिनेटर पे ले गए, 2 रेस टू पावर n अपॉन 2 पॉजिटिव हो गई, और 3 रेस टू पावर तो हमारी 3n चली ही आ रही थी, 2n प्लस 1n करके ऊपर से यहाँ तक सेम रही है, इसको ये यहीं सॉल्व हो चुका था, इसको तो आगे सॉल्व नहीं किया है, अलबत्ता ये हम डिनोमिनेटर पे इसलिए ले गए हैं कि पावर हमारी माइनस की थी वो किस में चेंज हो चुकी है, पॉजिटिव हो चुकी है। स्टूडेंट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ रूट, न्यूमरेटर पे है a रेस टू पावर x और डिनोमिनेटर पर a रेस टू पावर y मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट a रेस टू पावर y अपॉन a रेस टू पावर r मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट a रेस टू पावर r अपॉन a रेस टू पावर x। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने ये फोर्थ रूट हटाया, मैंने पीछे की एक्सरसाइज में आपको सिखा दिया था कि अगर क्यूब रूट हटाते हैं तो 1/3 लगाते हैं वैल्यू, और यहाँ पे फोर्थ रूट हटाएंगे तो ये देखें ब्रैकेट पे 1/4, अगली वैल्यू पे भी 1/4, फोर्थ रूट हटाया है, ये हमने ये हटाया है, तो यहाँ देखिए तीसरी वैल्यू पे भी हमने ये 1/4 पावर डाल दी है। अब आप ये देखें कि आपको आपका ये जो बेस है सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस सेम है, लिहाजा इसकी पावर ऊपर ले जाइए, ये y ऊपर जाकर किसका हो गया है, न्यूमरेटर पे जाकर माइनस का, यहाँ पे भी देखिए ये बेस सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस सेम है, लिहाजा ये पावर जो है आपकी न्यूमरेटर पे जाके किसकी हो गई, माइनस की, y की चेंज नहीं हुई, न्यूमरेटर की चेंज नहीं हुई, डिनोमिनेटर आपने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे लेके गए हैं, इसलिए उसकी साइन ये माइनस चेंज हुई, गौर कर लें इधर देख लें, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी देखें बेस सेम है, लिहाजा r ये पावर x ऊपर गई है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पर, तो ये माइनस x रेस टू पावर 1/4 तीनों ब्रैकेट्स पे है। अब स्टूडेंट्स हमने ये पावर को मल्टीप्लाई दे देना है, x माइनस y को 1/4 से, y माइनस r को 1/4 से, और r माइनस x को पावर को 1/4 से, लेकिन सॉल्व करते वक्त ये बेतियाती ना करें कि पावर आपकी बड़ी हो जाए और बिल्कुल बेस के साथ लिख लें, नहीं बेस के ऊपर ही लिखना है, ये ख्याल रहे। अब जब 1/4 से x को मल्टीप्लाई देंगे तो हो जाएगा x अपॉन 4, माइनस y जब मल्टीप्लाई देंगे तो हो जाएगा माइनस y अपॉन 4, यहाँ पे देखिए y अपॉन 4 माइनस r अपॉन 4, r अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4, 1/4 से ये तीनों हमने पावर्स को मल्टीप्लाई देकर ये हम ले आए हैं। अब हमारी देखिए बेस सारी सेम है ना, तो इनकी पावर जमा हो जाएगी, और प्लस करते वक्त जो साइन जिसका है वो ही लिखेंगे, x अपॉन 4 माइनस y अपॉन 4, प्लस का y अपॉन 4 माइनस r अपॉन 4, प्लस r अपॉन 4 माइनस x अपॉन 4, x अपॉन 4 माइनस के x अपॉन 4 से कैंसिल, और y अपॉन 4 माइनस का प्लस के y अपॉन 4 से कैंसिल, माइनस r अपॉन 4 प्लस के r अपॉन 4 से कैंसिल, हमारी पावर a जो बेस थी इसकी पावर क्या रह गई, 0। ये मैंने आपको पहले समझा दिया है, कोई नंबर जिसकी पावर 0 हो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, लिहाजा a रेस टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज़ आवर आंसर। स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x रेस टू पावर l अपॉन x रेस टू पावर m होल l प्लस m मल्टीप्लाई बाय x रेस टू द पावर m अपॉन x रेस टू पावर n होल m प्लस n मल्टीप्लाई बाय x रेस टू द पावर n अपॉन x रेस टू द पावर l होल n प्लस n। ये देखिए स्टूडेंट्स सवाल में
के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बेस सेम है, तो लिहाजा जो डिनोमिनेटर पे पावर्स दी गई हैं इन्हें आप ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर पर, सब की साइन, ये देखें माइनस का एम हो गया, यहाँ पे भी माइनस का एन हो गया और तीसरी वैल्यू में भी माइनस का एल हो गया। ब्रैकेट की बाहर दी गई पावर्स सेम रहीं अपने सेम साइन के साथ। अब देखिए बच्चों, साइन ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट में बाहर दी गई पावर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये मल्टीप्लाई, आप हमने दो ब्रैकेट, ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली हमने वैल्यू, ये जो पावर है लिख दी दो ब्रैकेट्स में, एक ब्रैकेट में जो अंदर दी गई पावर है वो, और ब्रैकेट के बाहर दी गई पावर दूसरे ब्रैकेट में लिखी है। ये तीसरे में भी इसी तरह किया है। अब आपका फार्मूला आप जानते हैं, ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी, या एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, फार्मूला किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू जो है उस पर स्क्वायर माइनस अगली वैल्यू जो दूसरी है उस पर स्क्वायर। तो लिहाजा उस फार्मूले के मुताबिक ये क्या हो जाएगा, दो एल है ना, दो ब्रैकेट में दोनों दो, अगर दो ब्रैकेट में हमारी सेम वैल्यू है, बस सेकेंड वैल्यू जो है वो एक में साइन माइनस का हो और एक में प्लस का हो, तब ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। ये हमारा समझ लीजिए ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एम जो है बी, बी हमारे फार्मूले में जो बी है उसकी जगह यहाँ पे एम है, और जो हमारे फार्मूले में ए है उसकी जगह यहाँ एल है। ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए दोनों वैल्यू सेम है, बस सेकेंड वैल्यू जो है एक में माइनस साइन के साथ है और एक में ये प्लस साइन के साथ है। वही फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला अप्लाई करते हुए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप ये देखिए तीनों में जो बेस है एक्स है सेम है, लिहाजा इनकी जितनी पावर है अपने साइन के साथ यहाँ लिखिए, ऐड कीजिए। ये हमने सारी अपने साइन के साथ चारों पावर हमने ये लिख ली हैं, छः हैं पावर, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमने लिख ली हैं। और पावर याद रखेगा छोटी रहे ऊपर रहे बेस के साथ ना आ जाए, एल स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस का एम स्क्वायर प्लस के एम स्क्वायर के साथ कैंसिल, माइनस का एन स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर के साथ कैंसिल। लिहाजा एक्स की पावर हमारी रह क्या गई है, सिर्फ एक्स रेज टू द पावर ज़ीरो, और हर वो वैल्यू जिसकी पावर ज़ीरो हो वो वन के बराबर होती है। ये हमारा जवाब है, मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ। स्टूडेंट्स आगे के सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 होमवर्क में घर में इसी तरीके पर करिए जो तरीका मैंने समझाया है, रफ वर्क अच्छी तरह समझ के करिए तो फिर आपका आंसर सही आएगा। अगर आपने रफ वर्क नहीं किया, उसको नहीं समझा, तो फिर आपको करना नहीं आएगा, रफ वर्क को अच्छी तरीके से समझना है। स्टूडेंट्स ज़रा, अभी तक कई बच्चों की, बहुत से बच्चों की अक्टूबर नवम्बर की फ़ीस जमा नहीं हुई है, आप लोग स्कूल में आकर स्कूल की फ़ीसें जमा कराएँ।